हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 20 जुलाई, रात के बज रहे हैं 1:30 और आज हम निकल रहे हैं अपनी नई सीरीज पे। ये सीरीज है विटारा ब्रेजा में इंडिया की फर्स्ट ओवरलैंडिंग। हम जा रहे हैं नीलगिरीज में और ये नीलगिरीज की फर्स्ट ओवरलैंडिंग होगी, क्योंकि मैंने आज तक अभी तक कहीं नहीं देखा है नीलगिरीज में किसी को ओवरलैंडिंग करते हुए। ट्रिप पे निकलने से पहले का जोश देखो, सारे थंबनेल्स रेडी हैं। इस बार जो मेजर चेंज होने वाला है वो ये है कि पहले मैं ट्रिप से आने के बाद वीडियो एडिट करता था, जिसमें डिले होता था 1 week to 10 days का, लेकिन अब मैं ट्रिप पे ही अपने वीडियोस एडिट करूंगा, बिकॉज अब ओवरलैंडिंग कर रहे हैं तो गाड़ी को तो पूरा घर बनाना ही था, तो वो पूरा बन चुका है। तो चलो मैं अपने सारे गियर्स दिखाता हूँ जिससे मैं ये ओवरलैंडिंग करने वाला हूँ, और कैसी मेरी गाड़ी दिख रही है, और फिर फटाफट निकलते हैं रास्ते पे। थैंक यू अयान, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर प्लानिंग माई जर्नी। तो यार, वी आर ऑल सेट फॉर द ओवरलैंडिंग ट्रिप। ये अपने यूटेंसिल्स हैं, ये लाइट्स हैं, ये कैनिस्टर स्टोव, और ये मेरा एक्स एंड टार्प। और अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे पास है ये एयर बेड जो मेरी गाड़ी में लगेगा, एक्स्ट्रा चादर मैंने रख ली है। ये है स्टूल, और इसका टेबल जो है मेरा गाड़ी में रखा हुआ है। ये है स्टैंड। यहाँ क्विकली आ जाते हैं, तो ये है मेरा मेडिकल बॉक्स फुल्ली इक्विप्ड। दिस इज माय ऑन गो बॉक्स, जिसके अंदर ऑल जल्दी जल्दी कुक होने वाली चीजें हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये मैंने रोड के दो माइक नए खरीदे थे ताकि मैं ऑडियो क्वालिटी अच्छी कर सकूँ, और ये है उसके डिटकैट मफ। और ये है मेरा पूरा कैमरा एक्सेसरीज बैग अलोंग विद 3 additional batteries। एंड ये है सारे तरह के USBs, बहुत सारे USB हैं इसके अंदर। और ये है बॉक्स जिसके अंदर सारा ये बेड का सामान जितना भी आप देख रहे हो ये सारा इस बॉक्स में आ जाएगा। और ये आ गया है अपना मिनी इन्वर्टर जो कार के सिगरेट लाइटर से चलेगा, एंड इसी का मैं बेसब्री से वेट कर रहा था बिकॉज फिर काम कैसे होगा। तो ये है वेंट्रो का, और ये आप देख रहे हो जैसे कि कार सिगरेट लाइटर में लग जाता है। यहाँ पे 4 USB पोर्ट हैं और 2 हैं, तो बेसिकली इससे अब ऑन द गो सारा काम हो जाएगा। ये ऑन ऑफ का इसका स्विच है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये है प्लान, तो हम निकलेंगे यहाँ चेन्नई से। चेन्नई से हम अभी जा रहे हैं कोटागिरी पे, एंड ये जो आप डॉट्स देख रहे हैं दैट डिवाइड्स द स्टेट्स। तो ये ऊपर वाला डॉट के ऊपर KA कर्नाटका है, फिर ये अगर आप डॉटेड लाइन देखेंगे तो दिस इज तमिलनाडु विच कम्स टिल हियर, एंड फिर ये वाला जो आप नीचे देख रहे हैं इतना, ये एरिया है केरला का। तो हाल फिलहाल में अभी हम कोटागिरी निकल रहे हैं, उसके बाद वी विल डिसाइड कि हम आगे कहाँ निकल रहे हैं। और हाँ, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ लाइक करके जाना वीडियो पे और अपना कमेंट करके जाना। अगर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट वाला है तो प्लीज़ सजेस्ट दैट सो दैट आई कैन मेक दोज इम्प्रूवमेंट्स। ये सारे वीडियो शूट हो रहे हैं 4K में, और ये एक नया ट्रांसफॉर्मेशन ये भी है इस चैनल के अंदर। तो चलो चलते हैं। देखो यार, बारिश हो रही है बहुत ज़बरदस्त, और ये अभी तक का रिकॉर्ड रहा है। मैं जितनी बार भी निकलता हूँ ना अपने ट्रिप्स पे, 5-6 दिन से इतनी गर्मी पड़ रही थी, और आज देखो क्या ज़बरदस्त बारिश है यार। चलो यार निकलते हैं, वेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। और आप ये देख सकते हो, ये ऑलमोस्ट 180 degrees ऑफ चेन्नई। चलो बाय बाय। बाय बाय कियान, सी यू। Bye bye Hyan. Bye bye. I'll miss you both. We'll see you soon. Bye. दवा थम, बारिश हो रही है भाई बाहर। तो सबको कर दिया see you, टाटा bye bye। ये होगा 8 से 10 दिन का ट्रिप का वेट कर रहे हैं। चलते हैं। मिक्स्ड इमोशंस हमेशा रहते हैं यार जब फैमिली के साथ होते हैं। चलो चलते हैं। तो देखो यार, कुछ ऐसा है अपना इस ट्रिप का सेटअप इस बार। ये पूरा एक बेड मैंने लगाया है इधर, और यहाँ मेरे बैग्स हैं, वो अपना कैंपिंग रिलेटेड बॉक्स है, और वो ऑन द गो बॉक्स है हमारा। और ये नेविगेशन सीट, यहाँ पानी वानी फुल रखा है, वो अपना कैमरा एंड एक्सेसरीज का बैग। अभी यहाँ पे करेंगे कैमरा सेटअप, GPS, एंड निकलते हैं फिर।
तेल भरवा लिया है और क्या जबरदस्त वाली बारिश हो रही है, आपने देखा ये वीडियो के अंदर। ट्रिप बन गया यार, मजा आ रहा है इस ट्रिप में जाने के लिए, क्योंकि मजेदार। इतनी गर्मी पड़ रही थी ना चेन्नई के अंदर, पूछो मत। तो चलो चलते यार, मिलते हैं रास्ते पे। हम निकल रहे हैं चेंगलपट्टू वाले रास्ते से, और ये शॉर्टकट भी पड़ता है, लेकिन अब जो ये 23 किलोमीटर का भी आपने बोर्ड देखा है, ये जो रास्ता है यहां से शुरू होने जा रहा है जंगल, प्योर जंगल। तो यार मेरे चारों तरफ ये चालू हो गया जंगल, अभी आपको मैं दिखाता हूं। ये देखो है ना भयंकर। तो अब ये 23 किलोमीटर का ये जंगल चलेगा और उसके बाद हम जाके कनेक्ट कर जाएंगे सीधा हाईवे पे, जो जाएगा चेन्नई से टुवर्ड्स सेलम होते हुए हम निकल रहे हैं इस ट्रिप पे, और फिर हम मेट्रोपलायम जाएंगे, एंड मेट्रोपलायम के बाद फिर सीधा पहाड़ों की चढ़ाई। तो 9 घंटे का ये ट्रिप, घर से जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये दिखा रहा था, अभी मुझे 1 घंटा हो चुका है। मैं थोड़ा स्लो चलाऊं बिकॉज बारिश में थी, तेल वेल भी भराना था गाड़ी में, तो अब धीरे धीरे अपन ने भी पिकअप पकड़ लिया है। तो एक्सपेक्टेड टाइम जो अभी दिखा रहा है वो सुबह 10 बजे का दिखा रहा है, तो वही है होटल चेक इन के टाइम पे ये 12 बजे तक हो जाएगा। तो अभी फर्स्ट जो हम पहुंच रहे हैं day 1 पे, अपन चेक इन करेंगे होटल में सो दैट हम अपनी चीजें सेटल कर लें सारी, जितना भी चार्जिंग वार्जिंग है और जो सारी चीजें हैं, अगर कोई परमिशन चाहिए तो वो परमिशन भी हम लेकर के सेटल कर लें सब कुछ। तो फिर हम day 2 से स्टार्ट कर देंगे फिर उसको। चलो आप एंजॉय करो ये रूट। फाइनली यार हाईवे टच कर दिया है, अब आगे आएगा टोल, तो चलो चलते हैं। तो यार क्विक टाइम चेक, टाइम हो रहा है अभी सुबह के 4:20 का, और किलोमीटर बाकी है अभी 257। तो थोड़ा स्लो भी चल रहे थे और आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा है यार, हाईवे पे बहुत ज्यादा है। कोशिश ये है कि चढ़ाई करते समय सुबह सुबह का टाइम हो यार, जो नज़ारे होते हैं ना वो अमेजिंग होते हैं। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं रास्ते पे। यार आप सोच रहे हो कि मैं अचानक लेट कैसे गया? हाँ यार थोड़ा थक गया था पूरी रात गाड़ी चला के। अभी 8 बज रहे हैं सुबह के और 99 किलोमीटर और बाकी है। मन कर रहा था ब्रेक करने का और ब्रेकफास्ट करने का, वैसे ये ट्रिप है ही इसी के लिए, तो ये ओवरलैंडिंग ट्रिप है और मैंने बताया था विटारा प्रेजा में है, तो मैं अपना आराम से लेटा हुआ गाड़ी के अंदर, और ये है अपना ब्रेकफास्ट। मैं जब तक करता हूँ ब्रेकफास्ट, और आज कॉफ़ी नहीं, आज कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है, तो अपन पियेंगे कोल्ड ड्रिंक और आप एंजॉय करो ये शॉट।
Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Set your affirmations. Enter कर गए हैं wild animal zone. मैं तो पला है, अभी पार किया है और अब यहाँ से होगी चढ़ाई शुरू. मैं ये कह रहा था जब 110-120 किलोमीटर बाकी थे तब से ट्रैफिक रोड मतलब आज तो पूछो मत यार. कम से कम मेरा नाना करते भी 1.5 घंटा बर्बाद हो गया. सामने है पहाड़ और यहाँ पे एक स्पीड लिमिट है जो मेंटेन करनी पड़ेगी. नहीं करोगे तो इतने ब्रेकर है कि अपने आप हो ही जाएगी. तो अभी बचा है 26 किलोमीटर और, तो चलो देखते हैं और रास्ते में फिर कनेक्ट करते हैं. देखो यार ये अमेजिंग वाला शुरू हो चुका है सारा. ये पूरा अभी जंगल एरिया है, दोनों फॉरेस्ट एरिया दोनों तरफ. वैसे नीलगिरीज है और वेस्टर्न घाट, तो इसमें तो जंगल्स है ही है चारों तरफ. तो अभी तक तो इतना अमेजिंग नहीं शुरू हुआ था, अभी थोड़ा बेटर शुरू हो चुका है. आगे जाके और अमेजिंग होना ही है. बट अगर मैं गर्मी की बात करूँ ना, गर्मी है भाई, एसी चला के ठंडा करना पड़ रहा है अपने आप को. बट स्टिल मैंने अब एसी बंद कर दिया है बिकॉज आई वॉन्ट टू एंजॉय द नेचर. तो यार क्विक टाइम चेक, टाइम हो चुका है अभी 11 बजे का और अभी किलोमीटर बचे 15 और मैंने छोटा सा एक ब्रेक लिया 10 मिनट का. और ये देखो यार चारों तरफ क्या हरा भरा जंगल है ये. तो अभी यार मेरे जस्ट पीछे वहाँ एक बैरियर है और ये है फॉरेस्ट ऑफिशियल्स. तो अभी मैंने इनसे बात करी कि ऊटी में कार कैंपिंग का क्या सीन है, बिकॉज लास्ट टाइम जो मेरी वीडियोस है ऊटी की उसमें मैंने कैंप किया था, अपना टेंट सेटअप किया था. बट कार कैंपिंग मींस ओवरलैंडिंग जो मैं करने के लिए निकला हूँ अभी बेसिकली, उसके लिए मुझे नहीं पता कि क्या चैलेंजेस थे. तो मैंने पूछ लिया है तो इन्होंने तो कंफर्म कर दिया कि कोई भी चैलेंज नहीं है. रेस्ट आई होप कि कोई चैलेंज नहीं आए एंड फिर हम बनाएंगे अमेजिंग अमेजिंग एपिसोड्स. क्या कितना ग्रीन हो गया है अचानक, जितनी थकान थी सारी उतर गई है. और रोड्स तो यहाँ के बहुत ही अमेजिंग है. हेयर पिन बेंड्स हैं थोड़े हैं, लेकिन ये जो zigzag ये बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. बहुत ही अमेजिंग नज़ारा है यार यहाँ से. मन कर गया एकदम रुक के है ना यहाँ पे थोड़े से शॉट्स ले लें. तो मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से.
सो यार टाइम हो रहा है 12:30 का, फाइनली आई हैव रीच दिस बंगलो। तो ये बहुत, मैं लास्ट टाइम भी आया था तो मैंने इस बंगलो का देखा था बट मुझे रूम मिला नहीं था, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेक अ रूम इन दिस एंड यू नो वॉन्टेड टू इन्जॉय बिकॉज इसके रूम जो है थोड़ा सा इन्होंने हेरिटेज टाइप का मिक्स करके काइंड ऑफ बनाया हुआ है। चलो आओ मैं एक बार रूम दिखाता हूँ। तो ये है अपने गाड़ी की नई ब्रांडिंग, और ये है एंट्रेंस इसका, और ये एक प्राइवेट एंट्रेंस है। और लुक एट द प्रॉपर्टी यार, छोटी है बट अच्छी है बिकॉज यहाँ से व्यू भी काफी सीनिक है। यहाँ पे है सारे टी गार्डन्स, टी प्लांटेशन है चारों तरफ। आओ यार क्विकली मैं आपको दिखाता हूँ रूम। तो ये इनका स्वीट है, एक ये है एक वो है, बट आई सेलेक्टेड दिस वन, ये मैंने पहले बुक कर लिया था। तो लेट मी शो यू, तो ऐसे करके ये एक बेड है, सोफा दिया है, दे हैव गिवन मी वन चेयर, टीवी है। सी यहाँ से व्यू बेड पे से कितना अमेजिंग आने वाला है ये। और ये है वार्डरोब छोटा सा, और भाई बाथिंग एरिया देखोगे ना चौक चौक, ये देखो। ये टहलने का बाथिंग एरिया बेसिंग है, अभी दिखाता हूँ। सो दिस इज ड्रेसिंग एरिया बेसिकली, और बाथरूम तो देखो यार अच्छा खासा बड़ा बाथरूम है, एंड इट्स नाइस एंड डिसेंट एंड साफ भी है, एकदम साफ सुथरा है यार। ये स्विच बोर्ड्स, ये स्विचेस और ये बोर्ड देख करके ना अपने बचपन के दिन याद आ गए यार, जब छोटे छोटे करते थे स्कूल टाइम में, यही स्विचेस होते थे घर में सभी के। आई एम श्योर ये तो कोई भी देख के पहचान जाएगा। तो यार फाइनली अब कर रहे हैं लंच, और लंच में देखो क्या मिला है, हॉट राइस, इसमें क्या है, ओ ऑमलेट, ये है सांबर, और ये कुछ सैलड होगा मिक्स, अचार है, दही है, पापड़ है, और सबसे बड़ी बात ये देखो यार मस्त खुली वादी में बैठ के ऐसे खाओ। और वो देखो काका और भी कुछ ला रहे हैं, ये इसका नाम व्हाट इज दिस, बीन्स आई नो, ओके बीन्स कैरेट, बीन्स कैरेट, एंड ये टोमेटो रसम, ओ वाओ थैंक यू। तो यार आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा फ्रॉम चेन्नई टू कोटागिरी, और ये पूरा ओवरलैंडिंग ट्रिप है आपको पता है। तो यार अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो, कमेंट कर दो इस वीडियो के ऊपर, क्योंकि यहाँ से अब शुरू होने वाले हैं नेक्स्ट 7 to 8 days जो मैं यहाँ पर बिताने वाला हूँ, और हम करने वाले हैं ओवरलैंडिंग इन विटारा ब्रेज़ा। आज का एपिसोड यहीं एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, सी यू, टाटा, बाय बाय।